एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे केले की भुजिया, जिसे कच्चे केले की सूखी सब्जी भी बोल सकते हैं। और ये मात्र 7 से 8 मिनट में बनकर के तैयार हो जाती है, जिसे आप लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं ये कच्चे केले की सब्जी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें कच्चे केले। तो यहाँ पर देखिए, हमने ले लिया है कच्चा केला और इनको हमने चाकू की हेल्प से कट करके इनके छिलके को इस तरह से निकाल लिया है। और अब इनको हम कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा बाउल और उसमें यहाँ पर रख लिया है पानी। अब हम इनको डायरेक्ट कट करके पानी में ऐड करेंगे, ताकि जो केले हैं वो काले नहीं पड़े। तो इस तरह से आप केले को पानी में ही डिप करके रखिएगा, तो ये काले नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे कच्चे केले को कट करके तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर 6 पीस केले लिए हैं। अब इनको हम एक साइड कर लेते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को फिर हीट गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ फ़ौरन ऐड करेंगे। फ़ौरन में मैंने ले लिया है 1/2 टेबलस्पून राई के दाने, 1/2 टेबलस्पून साबुत जीरा और 1 पिंच हींग पाउडर। 2 हरी मिर्च को हमने एकदम बारीक कट करके ऐड किया है। अब सब चीज़ों को हम इस तरह से तड़कने देंगे। फ़ौरन अच्छे से जब तड़कने लगेंगे, तो इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे एक बड़े साइज के कटके हुए प्याज। प्याज को हमने एकदम बारीक कट करके ऐड किया है। अब प्याज को हम हल्के गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, ना ही ज़्यादा इनको लाल करना है, बस इनको हमें हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। जैसे ही प्याज हल्के गुलाबी कलर के हो जाएंगे, तो हम इसमें ऐड कर देंगे कट किए हुए केले। केले को मैंने पानी से निकाल करके इनको एक प्लेट में रख लिया था। तो यहाँ पर देखिए, हमने कच्चे केले को तेल में डाल करके अच्छे से इनको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। तो 2 मिनट तक हमने कच्चे केले को इसी तरह से खुले में पकाया है। और केले जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इनको कवर कर देंगे करीब 5 मिनट तक, और स्लो गैस पर इनको हम अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार हम चेक भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, 5 मिनट हो गए थे और केले हैं वो एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। केले में हल्के ब्राउन कलर के लेयर भी आ गई हैं। अब इसी के साथ इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सूखे मसालों मैंने ले लिया है 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सभी मसालों को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने स्लो पर ही रखा है, ताकि मसाले जले नहीं। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मसाले को हम 1 मिनट तक और पकने देंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसी के साथ इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। अब इसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और 1 मिनट तक इनको हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे। तो केले अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं और देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो हमारे जो कच्चे केले की सब्जी है, या भुजिया भी बोल सकते हैं, बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इनको एक हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने कच्चे केले की सब्जी को डिश आउट कर लिया है। ऊपर से थोड़े से हरे धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। और लीजिए, आप गर्मा गर्म ये रोटी, सब्जी, पूड़ी, दाल चावल के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। तो आपको ये मेरी कच्चे केले की सब्जी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है, उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे, तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।